हेलो गाइस, आई एम वैशाली केकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग मेटलाइजेशन, और मेटलाइजेशन पर ऑलरेडी हमने बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं। मेटलाइजेशन होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मेटलाइजेशन। तो डिटेल में एनालिसिस करते हैं मेटलाइजेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन विद द एंडियोरा आर पीवीडी सिस्टम। एंडियोरा आर पीवीडी सिस्टम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें पीवीडी और सीवीडी चैम्बर्स हैं, और पीवीडी सीवीडी हमारा एक साथ हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास ये पीवीडी टारगेट है, यहाँ से हमारा पीवीडी करवाया जा सकता है। पूरा सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा सिस्टम है जिसमें हम पीवीडी और सीवीडी करवा सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्ट और वाया प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्टेक्ट और वाया प्रोसेस में सबसे पहले डी गैस किया जाता है, देन प्री क्लीन, फिर टाइटेनियम पीवीडी किया जाता है, फिर टाइटेनियम नाइट्राइड पीवीडी किया जाता है, देन टाइटेनियम नाइट्राइड का सीवीडी किया जाता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लाज्मा ट्रीटमेंट होता है, और देन टंगस्टन सीवीडी किया जाता है। राइट, अब इसके बाद एल्यूमिनियम इंटरकनेक्शन प्रोसेस में आते हैं। एल्यूमिनियम इंटरकनेक्शन में पहले डी गैस, देन प्री क्लीन, देन टाइटेनियम पीवीडी। टाइटेनियम पीवीडी के बाद सीधा एल्यूमिनियम कॉपर फिल किया जाता है एल्यूमिनियम कॉपर पीवीडी से, उसके बाद टाइटेनियम नाइट्राइड पीवीडी। कॉपर इंटरकनेक्शन प्रोसेस में डी गैस, प्री क्लीन, टेंटेलम पीवीडी। टेंटेलम पीवीडी के बाद कॉपर सीड पीवीडी। सो इससे हम कॉपर सीड का, कॉपर का बल्क डेपोजिशन कर सकते हैं। अब ये डी गैस प्रोसेस है कि इसमें हमने बहुत सारी प्रोसेस डिस्कस करी है, सारी प्रोसेस का डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। डी गैस क्या होता है, डी गैस में क्या करते हैं, गैसेस रिमूव करते हैं। राइट, तो अब क्या कर रहे हैं, हम वेफर को हीट करते हैं जिससे कि गैसेस रिमूव हो जाए, और जो वेफर सरफेस के ऊपर जो मॉइस्चर है वो गैस की फॉर्म में आ जाए और वहां से रिमूव हो जाए। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम वेफर सरफेस के ऊपर से मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आउट गैसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट गैसिंग अगर नहीं रहा तो यहाँ पर कंटेमिनेशन क्रिएट हो जाएगा। राइट, हाई रेजिस्टिविटी फॉर्म हो जाएगी डिपॉजिटेड मेटल फिल्म की। अब डिपॉजिटेड मेटल फिल्म की रेजिस्टिविटी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। अगर ये कम नहीं है तो हमारा यहाँ पर डिलेज आएंगे, चिप स्लो हो जाएगी। तो आउट गैसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द प्री क्लीन, प्री क्लीन क्या होता है, प्री क्लीन में हम सरफेस के ऊपर से नेटिव ऑक्साइड्स रिमूव कर देते हैं जिससे कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस रिमूव हो जाता है। आर्गन आयंस के साथ स्प्लटरिंग करते हैं और आरएफ प्लाज्मा हम यहाँ पर यूज करते हैं। आरएफ प्लाज्मा यूज कर आर्गन आयंस के साथ स्प्लटरिंग कराकर नेटिव ऑक्साइड लेयर को रिमूव करवा देते हैं। आप ये प्रोसेस जब देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने आर्गन प्लाज्मा यूज करा है, आर्गन आयंस आएंगे नेटिव ऑक्साइड को हिट करेंगे और ये लेयर को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर मेटल के ऊपर से जो एक ऑक्साइड लेयर है वो रिमूव हो जाता है। नाउ कमिंग टू द टाइटेनियम पीवीडी, टाइटेनियम पीवीडी में टाइटेनियम की रिक्वायरमेंट क्या, टाइटेनियम से कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस रिड्यूस हुआ तो चिप फास्टर हो जाएगी, डिले स्लोअर डाउन हो जाएंगे। राइट, सो यहाँ पर टाइटेनियम का जो ग्रेन साइज है वो लार्ज है अगेन, जिससे इलेक्ट्रोमाइग्रेशन प्रॉब्लम नहीं रहती है, रेजिस्टिविटी कम है। वेफर नॉर्मली हीट किया जाता है 350 डिग्री सेल्सियस पे ड्यूरिंग द डेपोजिशन प्रोसेस, जिससे कि सरफेस मोबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इससे स्टेप कवरेज भी इंप्रूव हो जाती है। कॉलीमेटेड स्पटरिंग, कॉलीमेटेड स्पटरिंग टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड की डेपोजिशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम कॉलीमेटर यूज करते हैं जिससे कि मेटल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेंटेन कर पाते हैं कि वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करें। कॉलीमीटर की हेल्प से सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होता है मेटल एटम या मॉलिक्यूल्स का। जैसे टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड को हमें डेपोजिट करना है तो यूनिफॉर्म लेयर डेपोजिशन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए कि जो मूवमेंट है टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड की वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। राइट, ये क्या करते हैं, बॉटम पे रीच कर जाते हैं नैरो कॉन्टेक्ट और वाया होल्स के, जिससे कि बॉटम स्टेप कवरेज इंक्रीज हो जाती है। जितना वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा उतना ही स्टेप कवरेज बेटर रहेगा। तो इसलिए कॉलीमेटेड स्पटरिंग हमारी यहाँ पर प्रेफर की जाती है। कॉलीमेटेड स्पटरिंग में हम यहाँ पर मैग्नेट्स यूज करते हैं, ये हमारा टारगेट है। टारगेट से हम टाइटेनियम या टाइटेनियम नाइट्राइड जो भी हमें डिपॉजिट करवाना है वो लेते हैं। प्लाज्मा के थ्रू यहाँ पर हम यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और टारगेट से यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा के थ्रू आर्गन जाकर यहाँ पर हिट करेगा और जो टारगेट मटीरियल है वो यहाँ पर से रिमूव होएगा
और वर्टिकल मूवमेंट में, यहाँ पर कॉलिमेटर के थ्रू वर्टिकल मूवमेंट में जाकर और वाया और कॉन्टेक्ट होल को फिल कर देगा, राइट? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं गैप फिलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द मेटल प्लाज्मा सिस्टम। मेटल प्लाज्मा सिस्टम में हम टाइटेनियम, टाइटेनियम नाइट्राइड, टेंटेलम और टेंटेलियम नाइट्राइड का डेपोजिशन करवाते हैं, राइट? मेटल एटम्स को हम आयनाइज करवाते हैं। कैसे आयनाइज करवाते हैं? इंडक्टिव कपलिंग से, आरएफ पावर और आरएफ कॉइल। आरएफ कॉइल के अंदर जो आरएफ पावर प्रोवाइड करवाते हैं उससे इंडक्टिव कपलिंग जनरेट होती है, मेटल एटम आयनाइज हो जाते हैं, राइट? जो पॉजिटिव मेटल आयंस है उससे नेगेटिवली चार्ज वेफर इम्पैक्ट होता है और सरफेस वर्टिकली, वेफर सरफेस के ऊपर वर्टिकली ये हिट करते हैं, जिससे कि बॉटम स्टेप कवरेज इंप्रूव हो जाती है, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है, राइट? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम पोटेंशियल यूज कर रहे हैं टारगेट के ऊपर। टारगेट के ऊपर पोटेंशियल यूज करने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा है और ये इंडक्टिव कॉइल से, इंडक्टिव कॉइल से हम यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट दे रहे हैं और वाया होल्स को फिल करवा रहे हैं, जिससे कि होल गैप फिल हो रहे हैं और गैप फिल होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रही है। टाइटेनियम नाइट्राइड पीवीडी, टाइटेनियम नाइट्राइड पीवीडी कैसे करवाते हैं? विद अ रिएक्टिव स्पटरिंग प्रोसेस। यहाँ पर स्पटरिंग प्रोसेस भी होती है और साथ में रिएक्शंस भी होते हैं। आर्गन और नाइट्रोजन हम यूज करते हैं। नाइट्रोजन क्या करते हैं? प्लाज्मा के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं और यहाँ पर फ्री नाइट्रोजन रेडिकल्स फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन से जैसे ही नाइट्रोजन गैस प्लाज्मा के अंदर जाती है, यहाँ पर नाइट्रोजन रेडिकल्स बन जाते हैं, वो टाइटेनियम के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं और टाइटेनियम नाइट्राइड की लेयर बनाते हैं टारगेट सरफेस के ऊपर। आर्गन आयंस क्या करते हैं? टाइटेनियम नाइट्राइड को स्पटर करते हैं टारगेट सरफेस के ऊपर और डिपॉजिट कर देते हैं वेफर सरफेस के ऊपर, राइट? सो ये पूरा सरफेस, ये पूरी प्रोसेसेस के बाद हमारे पास टाइटेनियम नाइट्राइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, राइट? सो आप देख पा रहे हैं टाइटेनियम नाइट्राइड पीवीडी प्रोसेस कितनी सिंपल प्रोसेस है। सारी प्रोसेसेस में ऑल दो सेम प्रोसेसेस ही हम यूज कर रहे हैं, बट इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थ्री एप्लीकेशन ऑफ टाइटेनियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर आप देखिए टाइटेनियम नाइट्राइड, ये टाइटेनियम नाइट्राइड लेयर यूज है, टाइटेनियम लेयर के ऊपर टाइटेनियम नाइट्राइड लेयर यूज है, देन टंगस्टन प्लग यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो टाइटेनियम नाइट्राइड एज अ ग्लू लेयर यूज करी जाती है और ये जो फिल की गई है यहाँ पर पीवीडी और सीवीडी से, राइट? अब यहाँ पर टाइटेनियम नाइट्राइड एज अ पीवीडी लेयर यूज की गई है बैरियर लेयर की तरह। यहाँ पर जो टाइटेनियम नाइट्राइड है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की तरह यूज है, जिससे कि फोटोलिथोग्राफी इंप्रूव हो जाए, राइट? ये है हमारी टाइटेनियम सिलिसाइड। नाउ कमिंग टू द एल्युमिनियम कॉपर पीवीडी। एल्युमिनियम कॉपर पीवीडी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में हम यूज करते हैं। जो यहाँ पर अल्ट्रा हाई वैक्यूम रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि मॉइस्चर रिमूव हो जाए और लो फिल्म रेजिस्टिविटी अचीव हो जाए। क्लस्टर टूल हम यहाँ यूज करते हैं स्टेज वैक्यूम कंडीशंस के साथ। ड्राई पंप, टर्बो पंप, क्रायो पंप हम यूज कर सकते हैं। जो क्रायो पंप है उससे पीवीडी चैम्बर का जो प्रेशर है 10^-10 torr तक रीच हो जाता है। इतना कम प्रेशर हम रीच कर देते हैं जिससे कि हमारा जो रेजिड्यू गैसेस हैं फ्रोजन ट्रैप में चली जाए, राइट? और कंटेमिनेशन हम कम कर पाए। जितना ज़्यादा प्रेशर कम रहेगा उतना ही वर्टिकल मूवमेंट इजीली हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा गैप फिलिंग इजीली हो जाएगी, उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एल्युमिनियम कॉपर पीवीडी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम हॉट एल्युमिनियम प्रोसेस यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या होता है, एल्युमिनियम कॉपर टंगस्टन प्लग के ऊपर डिपॉजिट करते हैं आफ्टर टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड डेपोजिशन। सो टाइटेनियम, टाइटेनियम नाइट्राइड, उसके ऊपर टंगस्टन प्लग रहेगा, उसके ऊपर हमारा एल्युमिनियम कॉपर डेपोजिशन हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस पर। ये होता है, ग्रेन साइज स्मॉलर होता है, एचिंग ईजी हो जाता है। ग्रेन साइज स्मॉलर है तो विच मीन्स इलेक्ट्रो माइग्रेशन प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। मेटल एनीलिंग की जाती है जिससे कि ग्रेन साइज ज़्यादा हो जाए। जितना एनीलिंग आप अच्छे से करेंगे ग्रेन साइज बड़ा हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोमाइग्रेशन रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रोमाइग्रेशन रेजिस्टेंस हाई होगी तो विच मीन्स इलेक्ट्रोमाइग्रेशन प्रॉब्लम कम हो जाएगी, राइट? अब एल्युमिनियम कॉपर पीवीडी के लिए हॉट एल्युमिनियम प्रोसेस में क्या होता है, हम इस प्रोसेस से कॉन्टेक्ट और वाया होल्स को फिल करवाते हैं, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, जैसे टाइटेनियम डिपोजिशन। एल्युमिनियम कॉपर सीड लेयर को सबसे पहले लो टेम्परेचर पे डिपॉजिट किया जाता है, less than 200 डिग्री सेल्सियस पे। बल्क एल्युमिनियम कॉपर लेयर को हायर टेम्परेचर पे डिपॉजिट किया जाता है 450-500 डिग्री सेल्सियस पे। सो आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आई होंगी। दीज आर द रेफरेंसेज विच यू कैन रेफर फॉर योर फर्दर स्टडीज। एंड आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड ऑल्सो विल गिव मी योर फीडबैक। इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस द नोट्स, गो टू द डिस्क्रिप्शन, देर इज अ लिंक प्रेजेंट फॉर आर मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज देखिए और वहाँ पर से
आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एंड इवन विदाउट परचेजिंग यू कैन सी द वेरियस स्लाइड्स ऑफ दिस लेक्चर. सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.